सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक नशेड़ी व्यक्ति भिमंडी शहर के पूर्व उप महापौर के साथ गाली गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व उप महापौर का नाम है इमरान वली खान। जानकारी के मुताबिक रात के समय इमरान वली खान रास्ते से जा रहे थे और तभी ये नशेड़ी व्यक्ति इनसे गाली गलौज करने लगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद इमरान वली खान ने मीडिया को बताया कि राजनीति षड्यंत्र के तहत उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है, इसीलिए उनके साथ गाली गलौज की गई ताकि वो गुस्से में आकर हाथ उठा दें। मगर इमरान वली खान का कहना है कि उन्होंने अपने आप को संभाला और अपने कार्यकर्ताओं को भी संभाला और कहा कि कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए भिमंडी शहर के पूर्व उप महापौर इमरान वली खान ने क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। देखिए, बरसों के दिन रात में मैं 11 बजे मेरी अमीनाबाग की ऑफिस से मिल्लत नगर की तरफ मेरे घर की तरफ निकला था। रास्ते में मुझे कोई गाली देने की आवाज़ आई कि बहुत देर से मुझे गाली देके किसी ने आवाज़ दिया। जब मैं पलट के देखा तो मेरे खिलाफ़ जो इलेक्शन हारा था अमित शेख, उसका भाई आलमगीर वहाँ खड़ा था और साथ में एक और लड़का था। वो जब मैं रुक के जब करीब गया कि भाई क्यों गए, तो देखा तो वो जो नशेड़ी एक है जो नशे में रहता है, दारू पिया हुआ था, वो लड़का वहाँ पर खड़ा था। बोला तू गाली क्यों दिया, तो क्योंकि ये आदमी इससे पहले भी मेरे खिलाफ़ वीडियो बनाया था, 2 से 3 वीडियो, और ज़बरदस्ती कुछ भी उसमें गाली विली देता था। तो मैंने कभी उतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जवाब देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ऐसे नशे वालों को जवाब दे के क्या मैं अपना जवाब दूँ, तो मैंने कभी इतना मुनासिब नहीं समझा। तो अगर मैं इसको देखता कि ये खड़ा है नशे वाला, तो मैं रुकता भी नहीं, लेकिन दूसरा आदमी को देख के मैं रुका। बहरहाल जब मैं रुका तो ये गाली देना चालू किया, मेरे हाथापाई करने लगा, लेकिन मैंने उसको जवाब, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं रखता, मैं नहीं चाहता कि लड़ाई झगड़ा हो। अब ये इलेक्शन जब आता है, राजनीति है, ये इलेक्शन में ये लोग क्या चाहते हैं कि ऐसे लोगों को नशा करवा के मेरे ऊपर छोड़ दे, कि ये लोग मुझे गाली दें और मैं इनको जब मारूं तो ये वीडियो बना के मेरे खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट करे। क्या इसके पहले भी ऐसा हुआ है क्या? इससे पहले मेरे साथ 3 बार हो चुका है, 3-4 इलेक्शन में लड़ा हूँ, हर इलेक्शन के पहले मेरे साथ एक पुलिस केस किया जाता है। सारे वारदात में हर इलेक्शन के पहले होते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से ये सारे मामले आपने कहा कि नशे में हुए हैं और आपके वार्ड में, तो कहीं ना कहीं नशे का कारोबार आपके वार्ड में है? नशे का कारोबार कहीं से भी नशा कर करके आते हैं लोग, नशा का कारोबार तो सब तरफ है, कोई मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। देखा जाए तो शहर के जिम्मेदार नागरिक क्या, हमने आवाज़ किया जब, कई बार सब लोग तो आवाज़ उठाते हैं, नशा कोई जाके सेलर ग्रामीण से करके आते, कई और से भी करके आते लोग, कितनी बार किसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। बहरहाल जो ये लोग का करना था, ये तो एक राजनीति थी, इन लोगों का एक ही है कि इससे पहले जब मैं इलेक्शन लड़ा, आप पिछला इलेक्शन मेरा देखोगे, इलेक्शन के फॉर्म भरने के बाद जब इलेक्शन शुरुआत हुई तो यही जो आज मेरे सामने खड़े जो लोग यहाँ वीडियो बना के वायरल किए, यही लोग मेरे खिलाफ़ 307 की कंप्लेंट किए थे। 307 की कंप्लेंट करना इलेक्शन का टाइम मतलब कि 1-2 महीना तुम जेल में रहोगे, इलेक्शन में वापस नहीं आओगे। लेकिन हम लोगों के साथ जो है, हमको एंटीसिपेटरी बेल मिली और हम पब्लिक में आए वापस और इलेक्शन लड़े और अब हमने हमको भरपूर वोटों से जिताया। इस मामले को आपने पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है? ये परसों रात में मैं इसका जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया और ये जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये एक डबल गेम है। एक भाई के जरिए उसने उसको उकसा के झगड़ा कराना चाहा, लेकिन मैंने उसको मारा पीटा नहीं, उसने मेरे ऊपर हाथापाई करने की कोशिश की, जिसको मैं रोका था। मैं कोई भी चीज़ कानून के जरिए करना चाहता हूँ और कानून के जरिए मैंने उसको जवाब दिया। आप उसमें देख रहे होंगे कि वो डबल रोल कर रहे हैं कि वो उसको हटा रहे, मतलब वो उसको जब मार रहा है तो वो उसको जवाब नहीं दे रहा है। आप देखिए उसमें कि वो उसको मार के हटा रहा है, तो उसको वो सामने वाला नशा अगर किया है तो वो उसको क्यों जवाब दे, क्योंकि नशा कराने वाला ही आदमी हुआ है, वो नशा करा के मेरे पीछे छोड़ता है, इससे पहले भी 2 से 3 बार छोड़ा हुआ है, मैं इग्नोर करता गया। अब वो दिन ये मामला उसके भाई के जरिए सामने आया। ये हम जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि हमीद शेख भी वहाँ पे मौजूद है, तो उन्होंने आपकी तरफ से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की क्या? उसने मेरी तरफ से कार्रवाई नहीं की, वो देख रहा था कि क्योंकि मैं भी वीडियो चालू किया था, मेरे मोबाइल में सब कैद हो रहा था, वो दिखाना चाह रहा था कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, जबकि पूरे गया अभी भी उसी के साथ में है और उसी के भगाने पे वो वहाँ गया है, आज भी वो उसी के पास छुपा हुआ है। पुलिस आज 2 रात चली गई, उसकी तलाश कर रही है,
और अभी तक वो फरार है। किन धाराओं पे जो है मामला दर्ज हुआ है? अब जो भी कलम पुलिस की जो कलम है एनसी दाखिल वगैरह हुई है, क्योंकि मारामारी तो हुई नहीं ज़्यादा, लेकिन जो भी हुआ ये वो गाली गलौज के सीमे से शुरू हुआ, बाकी आपके सामने है। तो जो धारा पुलिस को लगी वो की है और पुलिस पे कानूनी कार्रवाई करके, इसके पहले भी मैंने इसके खिलाफ़ एक एनसी दे चुका हूँ। तो अभी पुलिस क्या करती है, पुलिस पे भरोसा तो है हमको, पुलिस जब वो मिलेगा तो क्या कार्रवाई करेगी देखेंगे। इमरान, अभी इलेक्शन आने वाला और इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के स्टंट होना तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी छवि को ख़राब करने वाली बात आ रही है, तो इसमें क्या कहेंगे आपके, ये राजनीति इस तरह की भिवंडी शहर की राजनीति क्या इतनी गिर चुकी है? भिवंडी की राजनीति तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ लोग जो गिरे हुए लोग होते हैं वो इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हैं, और यही वो गिरे हुए लोग हैं जो हमको गिराना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमको हमेशा उभरता रहा है। इनकी राजनीति से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम जो है ऐसे गंदे ये सब जो हरकत कर रहे हैं, ये हरकत से मुझे इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम देख रही है कि एक बंदा, आप देख सकते हो उसको, उसकी क्या लायकी है क्या है, मैं छोड़ दो, एक कोई छोटा बच्चा भी रहेगा ना उसको दो फाइट मारेगा तो तीसरे फाइट में वो उठेगा नहीं, लेकिन वो इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है कि उसके पीछे बैकिंग है और उसके पीछे लोग थे, उकसाया जा रहा था कि मैं उसको मारूं। अभी आप लोग मीडिया वाले हैं, मैंने इससे पहले भी एक कॉन्फ्रेंस में बोला कि देखो अगर हम उसको जवाब नहीं दे रहे तो पब्लिक में ये चला रहे हैं लोग कि देखो एक आम आदमी गाली दे रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है, अगर हम उसको जवाब देंगे तो यही आप लोग बोलोगे कि नगर सेवक का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, पावर का मिस यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग ना इधर चलने देते ना उधर चलने देते, बहरहाल हमको कानून के ऊपर पूरा भरोसा है और कानून के जरिए जो भी कार्रवाई होगी, मैं मेरे कार्यकर्ताओं से यही अपील किया वो दिन परसों रात में पुलिस में 250-300 बच्चे हमारे सब कार्यकर्ता जमा थे, बहुत गुस्से में थे लोग, मैंने उनको शांत किया, हमारा कोई भी कानून हाथ में ना ले, कानून अपना काम कर रही है। अभी भी उनसे मैं यही अपील किया हूँ, आपके जरिए मैं उनको यही अपील करूँगा कि कोई भी कार्यकर्ता कोई इसके ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए और अपना काम करते रहे, और सिर्फ ये यहाँ नहीं, ये अब लोग ये प्रयोग जो है दूसरे वार्डों में भी करेंगे, तो मैं सभी लोगों को, सभी जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसे लोग ये राजनीति करके आपको कानून के जरिए अंदर करवा के आपके वार्ड में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।